वेलकम बैक मेरे प्यारे दोस्त। आज मैं आपके लिए एक स्पोकन का स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। स्पोकन आप बोलना सीख रहे हो सब लोग, क्योंकि स्पोकन का हम लोग सफ़र तय कर रहे हैं और हर दिन आपको वीडियो नए नए बन करके मिल रहे हैं। यहाँ पे जो हमने आपके साथ स्टार्ट किया है, सीधा स्टार्ट करते हैं स्पोकन क्लास में। हैज़ गॉन, हैव गॉन, हैड गॉन, यहाँ पे सीखना तुम्हें स्पोकन के लिए कि हैज़ गॉन, हैव गॉन, हैड गॉन। आप कॉपी कलम निकाल लो और लिखो, सिर्फ देखने से काम नहीं चलना। आप सीखने के लिए मेरे वीडियो देखो। आप YouTube पे जब आते हो ना, तो मेरे वीडियो आप बोलो, आज मेरे साथ बोलो। आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो बोलो, लगातार पढ़ रहे हो तो सीखो। यहाँ पे देखो, हैज गॉन है ना, हैव गॉन है ना, हैड गॉन है ना। अब इसका हिंदी हुआ हो गया है या हो गया था। अब हैव गॉन हो चाहे हैड गॉन हो, अब यहाँ पे ध्यान कुछ नहीं है कि हैज गॉन, हैव गॉन। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो कुछ नहीं करना आपको कि सब्जेक्ट लिखा, अब यहाँ पे हैज हो चाहे हैव हो चाहे हैड हो, इसके साथ आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, राइट। तो हैज हैव गॉन, तो गॉन दिखा तुम्हें, गॉन गॉन गॉन, इसके बाद अदर वर्ड लगा देना है, ठीक है। तो सर्वे प्लस हैज हैव गॉन लगा देना, काम खत्म हो गया। अब हो गया है चाहे हो गया था, आपको बोलना है कि तुम पागल हो गए हो, तुम पागल हो गए हो, यू हैव गॉन मैड। तो यू हैव गॉन, तो ध्यान देना बेटा, हैव कहाँ, हैज कहाँ आएगा। तो हैज तुम्हारा जो हैज है यह सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हैव का प्रयोग करेंगे, और अगर पास्ट की बात करेंगे हम लोग तो हैड का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, अगर हैड लगाएंगे पास्ट के केस में। तो प्रेजेंट की बात मैं कर रहा हूं, हमने बोला तुम पागल हो गए हो, तुम प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो तुम हो गया सब्जेक्ट, तो यू हैव गॉन मैड, यू हैव गॉन मैड, तुम पागल हो गए हो, वह पागल हो गई है, शी हैज गॉन मैड, वह पागल हो गया, ही हैज गॉन मैड। तो यहां पे सब्जेक्ट जो मन कर यूज कर लो, है ना। यू हैव गॉन ब्लाइंड, तुम अंधे हो गए हो, है ना, तो तुम अंधे हो गए हो, यू हैव गॉन ब्लाइंड। ही हैज गॉन फुलिस, वह मूर्ख हो गया है, तो ही हैज गॉन फुलिस। समझ पा रहे हो, तो आप मेरे साथ बोलो फटाफट, हम मैं बोलूंगा हिंदी, तुम अंग्रेजी बोलना, बोलो तुम पागल हो गए हो, यस यस, यू हैव गॉन मैड, तुम मूर्ख हो गए हो, यू हैव गॉन फुलिस, तुम अंधे हो गए हो, यू हैव गॉन ब्लाइंड, राइट। और बोलो लता पागल हो गई है, लता हैज गॉन मैड, लता अंधी हो गई है। अंधी मतलब वो अंधी नहीं, अंधी मतलब किस चीज को नहीं देख पा रहा है, तो लता अंधी हो गई है, लता हैज गॉन ब्लाइंड, तुम वह मूर्ख हो गई है, शी हैज गॉन फुलिश। क्लियर हो गया। अब देखो हैड की बात, तो हैड गॉन, इसके पहले क्या करो, लगा दो सब्जेक्ट प्लस हो गया, इसके बाद लगा दो अदर वर्ड, तो हैड गॉन अदर वर्ड, तो सब्जेक्ट हैड गॉन अदर वर्ड। अब बोलना है यार वो पागल हो गया था, वह पागल हो गया था, तो वह पागल हो गया था, ही हैड गॉन मैड, वह अंधा हो गया था, ही हैड गॉन ब्लाइंड, वह मूर्ख बन गया था, ही हैड गॉन फुलिस। अब देखो शी हैड गॉन स्मार्ट, वह स्मार्ट हो गई थी, शी हैड गॉन स्मार्ट, वह स्मार्ट हो गई थी, प्रिया हैड गॉन मैड, प्रिया पागल हो गई थी, दे हैड गॉन ब्लाइंड, वे लोग अंधे हो गए थे। समझ पा रहे हो। तो ये सारे वीडियो जो हैं आप इसको देखें, और देख करके हजार बार बोलो तब आपको याद हो बेटा। जब तक हम बोलेंगे नहीं अंग्रेजी कैसे आएगा। स्पीकिंग करने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर चाहिए, हैज गॉन सिंगुलर, हैव गॉन प्लूरल, हैड गॉन पास्ट की बात। तो जितना तुम बोलोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, और साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों को बताएं और वहां पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। अब देखते हैं अगला वीडियो, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं यहां पर फटाफट। अब देखते हैं सेकंड स्ट्रक्चर, तो हमने बताया कि होल्ड टू रैंसम। अब होल्ड टू रैंसम, इसको था बारीकी से पढ़ना, बड़े आराम से पढ़ाता हूं इसको, कोई जल्दी नहीं। अब देखो होल्ड टू रैंसम, उंगली पर नचाना, उंगली पर नचाना। अब ध्यान देना उंगली पर नचाने का कॉन्सेप्ट क्या है, उंगली पर नचाना मतलब अपने बस में कर लेना, उंगली पर नचाना, होल्ड टू रैंसम, उंगली पर नचाना। इसको चार पांच बार बोलो तब टिप ऑफ द टंग होगा, इसको बार बार लिखो तब आपका स्पोकन स्ट्रांग होगा। और स्पोकन करने के लिए आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखना, चूंकि उसमें हमने दिया हुआ टेक्निक्स कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, उसको जरूर देखना और जरूर काम करना। तो होल्ड टू रैंसम, उंगली पर नचाना, बोलो
मेरे साथ, होल्ड टू, जरा बोलना बेटा, होल्ड टू रैनसम, उंगली पर नचाना, होल्ड टू रैनसम, उंगली पर नचाना। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज बियर, इज एम आर प्रेजेंट हो गया, इज एम आर प्रेजेंट हो गया बच्चे, और वाज बियर क्या हो गया? पास्ट हो गया। इज लगाना सिंगुलर के लिए, इसको लगाना सिंगुलर हो, राम हो राम इज, सीता इज, ही इज, सी इज। एम लगाना आई के लिए और आर लगाना प्लूरल के लिए, जैसे यू हो, दे हो, है ना, राम एंड श्याम प्लूरल हो, तब वहां पे क्या लगाना? आर लगाना। वाज पास्ट में सिंगुलर, जैसे आई वाज, है ना, यू के साथ वर लगाना, ही वाज, सी वाज, लता वाज, प्रिया वाज, और फिर वर लगा देना प्लूरल के लिए। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर प्लस होल्डिंग, है ना, यही होल्ड को हमने होल्डिंग कर दिया, वी फोर का प्रयोग, प्लस कोई ऑब्जेक्ट आएगा, फिर टू रैनसम प्लस अदर वर्ड, इसको बोलने का प्रयास करना। अब सेंटेंस में दिया कि शी इज होल्डिंग, शी इज होल्डिंग हर फैमिली, सी इज होल्डिंग हर फैमिली टू रैनसम, वह अपने परिवार को उंगली पर नचा रही है, वह अपने परिवार को उंगली पर नचा रही है, बोलते हैं ना कि वह अपने परिवार को उंगली पर नचा रही है। सी इज होल्डिंग हर फैमिली टू रैनसम, सी इज होल्डिंग हर फैमिली टू रैनसम, अपने परिवार को उंगली पर नचा, मतलब अपने बस में की हुई है, अपने अधिकार में की हुई है, उसको कहते हैं होल्ड टू रैनसम। सी इज होल्डिंग हर फैमिली टू रैनसम, प्राउड, बोलो मेरे साथ। दूसरा, यू आर होल्डिंग योर हब्बी टू रैनसम, यू आर होल्डिंग योर हब्बी टू रैनसम, तो यू आर होल्डिंग, तुम अपने पति को, यू आर होल्डिंग योर हब्बी, हब्बी मतलब पति, तो तुम अपने पति को अपने उंगली पर नचा रहे हो, तो यू आर होल्डिंग योर फैमिली टू रैनसम, तुम अपने पति को अपने उंगली पर नचा रहे हो। ही इज होल्डिंग दिस सिटी टू रैनसम, ही इज होल्डिंग दिस सिटी टू रैनसम, वह इस शहर को उंगली पर नचा रहा। जैसे जो आतंकवादी होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, वो क्या करते हैं? शहर में बॉम्ब फोड़ते हैं, तो हम लोग क्या बोल देते हैं? अरे वो तो फिर सिटी को उंगली पर नचा रहा है, तो ही इज होल्डिंग दिस सिटी टू रैनसम, उस शहर को उंगली पर नचा रहा है। आप बोल देते हो कि राधिका अपने पति को उंगली पर जा रही है, तो राधिका इज होल्डिंग हर हस्बैंड टू रैनसम, ठीक है, तुम अपने टीचर को उंगली में जा रहे हो, यू आर होल्डिंग योर टीचर टू रैनसम, तुम अपने भाई को उंगली पे नचा रहे हो, यू आर होल्डिंग योर ब्रदर टू रैनसम। तो जितना बम बज करे इसको याद कर करके बोलना है, अंडरस्टैंड करना है, बार बार बोलना है। मेरे साथ बोलो जरा, तुम अपने मित्र को, यस लिसनिंग, मैं तुमसे बात कर रहा हूं बेटा, मेरे साथ बोलो, इसको कॉपी में लिखो और सारे भारत के हर एक नागरिक को मदद करो, और इसको जितना मर्जी हो सबको पढ़ो, क्योंकि यह चीज आपके लिए बनाया हुआ है, मैं आपके लिए मेहनत करके बना रहा हूं, आपको मेहनत करना है भारत के लिए और सारे बच्चों को मदद करनी है। तो होल्ड टू रैनसम, होल्ड टू रैनसम क्या है? ये नए वर्ड है आपके लिए, होल्ड टू रैनसम, उंगली पर नचाना। ऐसे ऐसे अंग्रेजी नहीं मिलते हम लोगों को, डिक्शनरी में ढूंढते रहते हैं, सेंटेंस नहीं बना पाते, सोच नहीं पाते, कर नहीं पाते, इसलिए हमने आपके लिए एक नए से नया, जितना बढ़िया से बढ़िया हो सकता है, YouTube पर ऐसे वीडियो नहीं मिलते, इसको ढूंढ करके मैं आपके लिए बना रहा हूं, ताकि आपको बेहतर अच्छा लगे, और आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आप जान चाहते हो आप कमेंट करके मुझे बताएं, जितना कमेंट करोगे उतना मेरा हौसला आपके लिए बढ़ेगा, जितना बेहतर करोगे, जितना सीखोगे मैं उतना खुश हो जाऊंगा। तो जितना सीख सकते हो आप मेरे साथ सीखो, जितना पढ़ सकते हो आप मेरे साथ सीखो, जितना इधर कुछ दिन से टेक्निकली समस्या के कारण वीडियो आपको नहीं मिल रहे थे, आने वाले दिनों में एक से एक तरीका वीडियो आपको मिलेगा, एक से एक काम मिलेगा, बस इंजॉय करो और अपनी इजहार की खुशी कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। फिर से एक बार बोलो, बोलो मेरे साथ, मुस्कुराओ नहीं, फटाफट बोलो, हमने कहा इज एम आर वाज वर होल्डिंग प्लस ऑब्जेक्ट, अब हमने कहा तुम अपने पिताजी को उंगली पे नचाते हो, यू आर होल्डिंग योर फादर टू रैनसम, यू आर होल्डिंग योर फादर टू रैनसम, तुम अपने छोटे भाई को उंगली पर नचाते हो, यू आर होल्डिंग योर यंगर ब्रदर टू रैनसम, है ना। सुबोध अपनी पत्नी को उंगली पर नचाता है, सुबोध इज होल्डिंग हर वाइफ, हिज वाइफ, सुबोध इज होल्डिंग हिज वाइफ टू रैनसम, ठीक है।
सुबोध की पत्नी सुबोध को उंगली पर नचा रही है, तो सुबोध की पत्नी, सुबोध वाइफ इज होल्डिंग हर हस्बैंड या सुबोध टू रैंसम, ठीक है। तो सुबोध वाइफ, सुबोध की पत्नी इज होल्डिंग होल्डिंग, ठीक है, सुबोध टू रैंसम, ठीक है। तुम्हारे पिताजी तुम्हें उंगली पर नचा रहे हैं, योर फादर इज होल्डिंग यू टू रैंसम। तो वॉट एवर कम्स योर माइंड, हमने तीन लिखा है ताकि आप समझ लो, हजारों सेंटेंस, यू आर एबल टू मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वन स्ट्रक्चर, एंड आई एम गिविंग यू लॉट ऑफ स्ट्रक्चर एंड यू शुड मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ माई स्ट्रक्चर। बेटे एक सेंटेंस में दे रहा हूं, एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं, बच्चे जितना तुम काम करोगे ना, एक स्ट्रक्चर, हजार दूंगा काम नहीं करो, एक स्ट्रक्चर पे हजार सेंटेंस बनाओ, एंड यू डू मेक एंड मेक लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, देन आफ्टर प्रैक्टिसिंग यू आर डूइंग, यू आर एबल टू स्पीक लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस, राइट। तो इस तरह से आप बहुत सेंटेंस बनाएं और बहुत सेंटेंस बोलने का प्रयास करें, और एक दिन समय आएगा कि आप अंग्रेजी में फ्राटेदार बोलोगे, फ्लुएंट बोलोगे, किसी से भी आंख मिलाकर के बात करोगे। अगर तुम धर्मेंद्र का स्टूडेंट हो और धर्मेंद्र को फॉलो करते हो, धर्मेंद्र तुम्हें अच्छे लगते हैं, तो इस वीडियो को इतना फैलाओ, इतना शेयर करो कि ताकि हर एक बच्चा इसे लाभान्वित हो सके, और इसको इतने लाइक्स बहाने हैं, और धर्मेंद्र सर को कमेंट करना है कहाँ समस्या है और अपनी समस्या बताना है। मैं धर्मेंद्र सर हमेशा तुम्हारे लिए काम करूँगा। थैंक यू वेरी मच।